अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? आज के शो में हमारे साथ मौजूद है दो स्पेशल गेस्ट, एक है डॉक्टर फरिया और एक है डॉक्टर फामिया। कैसी है डॉक्टर फरिया आप? ठीक ठाक जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि जरा जल्दी जल्दी हम टॉपिक की तरफ आए और लोगों को भी आपसे तारुफ हो जाए। सो आई एम एमफिल और मैंने अपनी एजुकेशन की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से, एंड करेंटली मैं सर्व कर रही हूँ जेनेस्टिक डायबिटीज सेंटर बाय डॉक्टर वसीम एज अ डाइटिशियन। जबरदस्त हो गया। कैसी है डॉक्टर फामिया आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा अपना भी इंट्रोडक्शन दे दे, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है? I did Doctor of Dietitian and Nutritional Sciences from University of Lahore, Islamabad. और अब मैं जो हूँ डॉक्टर वसीम के साथ जिनास्टिक डायबिटीज सेंटर पे काम कर रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वजन को जो है कंट्रोल करना, मैनेज करना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सारी की सारी चीज़ें हम डील करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर वसीम अगर आप दवाइयों से हटा रहे हैं और कहते हैं कि कम से कम दवाइयां आप यूज़ करेंगे, तो फिर ये जो गोलियां आप देते हैं वाइटमिन्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या ये लेना ज़रूरी है? तो थोड़ा सा ना आम पब्लिक के लिए आसान अल्फाज में हमने उनको समझाना है कि ये वाइटमिन्स हम क्यों देते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो माइक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का तो हमने बड़ा डिस्कस कर लिया, जरा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मुतल्लिक डॉक्टर फरिया आप अगर बता दें कि ये आसान अल्फाज में कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जितनी डाइटिशियंस हैं और जो बंदा बात करता है तो यही कहता है कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, एक नॉर्मल, अब आजकल ये लेमैन को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि क्या है, लेकिन आज तक मतलब बहुत रेयरली कोई होगा जो बात करता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ऐसी ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारे बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजी होती है, तो उनको एक मतलब सप्लीमेंट करना एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है उनके लिए। जैसे कि मैक्रो वगैरह जो हैं, जैसे कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, वो एनर्जी के लिए ठीक है, वो बेसिक चीज़ है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट के बगैर हमारी बॉडी फंक्शन कर ही नहीं सकती। हमारे जितने फंक्शंस हैं अगर उनसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट हटा लेते हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शंस बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें अगर हम नॉर्मल रूटीन में देखें तो अगर हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं और आप जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो उनमें 90% लोग वो डेफिशिएंट होते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, स्पेशली पाकिस्तान या जो भी अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनमें ये इशू है कि वहाँ ये चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन उनमें डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आसान अल्फाज में इसको ऐसे कहेंगे कि हमारी बॉडी को पूरे दिन भर के काम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारी खुराक से पूरी नहीं हो रही। प्रोसेस फूड हो चुका है, मिलावट ज़्यादा हो चुका है, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उनमें वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी, वाइटामिन डी, ये चीज़ें सामने आती हैं। तो हम जहां खुराक को सेट करेंगे वहां साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना पेशेंट्स को ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बता दें कि कुछ बेसिक, कोई स्टार्ट आपसे ले लेते हैं, डॉक्टर फामिया से ले लेते हैं कि कोई सबसे पहला जो आप कहें कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो चीज़ हमने सप्लीमेंट करनी है, वो कौन सी है? सर जैसे कि हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि जैसे बोन्स ब्रिटल हैं, उनकी बोन्स वीकनेस हो रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है या मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वाइटामिन D3 या B12 का टेस्ट करवाया जाए ताकि डायग्नोस किया जाए, प्रॉपर असेस किया जाए उनके न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज़ को। तो उसके लिए जब डायग्नोस करवाया जाता है या टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें डेफिशेंसीज मोस्टली पेशेंट को होती हैं, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि सोल्डी, मेड10 या इस तरह के सप्लीमेंट। इनमें कितना विटामिन डी होता है? सर ये वेरी करता है एज ग्रुप पे, अगर बच्चे हैं तो उनको मैक्सिमम पर डे के अकॉर्डिंग उनका 2-3,000 IUs पर डे लेने चाहिए, और जो अगर एडल्ट्स की बात करें तो वो 4-5,000 पर डे के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि बिल्कुल पहले ना 400 IU, 800 IU बताया जाता था, जो कि कम है। तो यानी कि अगर बच्चों को देना है तो 2,000 से 3,000, और जो अगर बड़े हैं तो उनको 5,000 पर एग्जैक्टली इसी तरीके या 10,000 एवरी अदर डे भी दे सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है जो विटामिन है। अच्छा, और विटामिन B12, इसी तरह विटामिन B12 की बात की जाए तो उसके लिए जो है सप्लीमेंट न्यूट्रो12 वगैरह, ये सारा मेथिकोबाल वगैरह, अगर बाहर से वो परचेज करें तो मेथिकोबाल बेहतरीन सप्लीमेंट है, जो 500 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको लेने का मकसद है कि हमने विटामिन B12 को 500 से ऊपर लेके जाना है, और विटामिन D3 के जो लेवल्स हैं वो 70 या उससे अबव करने के लिए हमें
या तो 4,000 to 5,000 per day या 10,000 IU एवरी अदर डे। अच्छा, और बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर, अभी ये विटामिन डी की बात छिड़ी गई है तो ये भी कह दूं कि कुछ लोग ना 2,00,000 IU का बूस्टर एक डोज लेते हैं, लेकिन उसके साथ मसला ये है कि वो 3-4 लेने के बाद छोड़ देते हैं। हम जो इस शो के जरिए, इस जो हम पैगाम आपको दे रहे हैं वो यही है कि आपने कंसिस्टेंटली लेना है 3 मंथ्स तक 5,000 IU डेली या 10,000 IU एवरी अदर डे, ताकि आपका ना सिर्फ वाइटामिन डी 70 तक 70 तक चला जाए बल्कि वहां पे मेंटेन भी रहे तो ठीक हो गया। इसी तरह से वाइटामिन B12 500 माइक्रोग्राम वो हमने पर डे लेना है। और वैसे कब तक लेना चाहिए ये? सर ये डिपेंड करता है, प्रॉपर तो 3 मंथ्स का प्रोसीजर इसमें करें, 3 मंथ्स तक सप्लीमेंटेशन करें, देन टेस्ट अगेन रिपीट करवाएं, और अगर स्टिल डेफिशिएंसी है तो उसको कंटिन्यू करें 1 to 2 मंथ्स के लिए, या अगर आपकी डेफिशिएंसीज ओवरकम हो गई हैं तो थोड़ा गैप लें 1 to 2 मंथ्स का, आफ्टर दैट अगेन आप 3 मंथ्स का प्रोसीजर, क्योंकि वाइटामिन डी फैट सॉल्युबल वाइटामिन है तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो इसलिए आपको हर 3 मंथ्स के बाद टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर फरिया, इसके अलावा वाइटामिन डी B12 कवर हो गए, इसके अलावा? सर इसके अलावा अगर कोई बंदा ऐसे है जो एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन ओबेसिटी भी है, मतलब वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम एलकार भी ऐड कर सकते हैं। एलकार में क्या होता है? एलकार में एलकार्निटीन होता है जो एक मिनरल है और बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मतलब कोई इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता लेकिन ये एक ज़रूरी मिनरल है। उसके फंक्शन ये होता है कि एक तो एज ए फैट बर्नर यूज़ होता है, जो हमारी जो एनर्जी होती है तो वो फैट्स को बर्न करके हो जाती है, और सेकेंड ये कि उसमें हमारी ब्रेन हेल्थ में भी बहुत बड़ा फंक्शन है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, उनके मेमोरी का इश्यू होता है, तो एल कार्निटीन उस चीज़ को कवर करने में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, स्टडीज इसको सपोर्ट कर रही हैं कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लेना देना है तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी बनाता है, तो जो खास ये जो अल्जाइमर भी है ना, ये इसको भी एक तरह से, अगर हम ये जो हाफजा लोगों का कम हो जाता है या जो भूल जाते हैं या जो मेमोरी खत्म हो जाती है, आसान अल्फाज में हाफजे की कमजोरी, तो उसमें भी देखा गया है कि क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर तवानाई नहीं मिल रही होती, तो कोई भी चीज़ जो तवानाई को बहाल करेगी या उसमें हेल्प करेगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो एल कार्निटीन की कोई डोज भी बता दें, एल कार या एल कार्निटीन की? एल कार्निटीन हमारे पास होता है 800 mg तक हम ले सकते हैं, और इसके अलावा एल कार में हमारे पास CoQ10 कोएंजाइम है, वो भी बहुत एक एंटी इन्फ्लेमेशन है, तो हमारी बॉडी में अगर कहीं इन्फेक्शन होता है अदर देन डेट भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट भी हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो अल्टीमेटली जाती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ, तो जब वो चीज़ कवर होती है तो ये इन्फ्लेमेशन भी हमारी कम होती है। इसी तरह जो एलकार में विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है, तो बहुत सी सप्लीमेंट में एक उन्होंने कंबाइन सारे न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं जो साइनर्जिस्टिकली जो मिल के काम कर रहे होते हैं, मिल के काम करते हैं, जो कंबाइनली काम करते हैं हमारी बॉडी, तो यानी कि मेनली अभी हमने एक तो एल कार्निटीन उसको कवर कर दिया, CoQ10 को भी, CoQ10 कितना लेना चाहिए? CoQ10 400 है, 400 ठीक है, अप टू 400 है, लेकिन उसको 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो कुछ स्टडीज कुछ तो मतलब इसको 400-500 तक भी लेके जाते हैं। और अच्छा, एक और चीज, चूंकि आपने CoQ10 मेल और फीमेल फर्टिलिटी में भी बड़ा हेल्पफुल है, तो अगर तो इनफर्टिलिटी का, बांझपन का इशू है तो वो लोग भी CoQ10 ले सकते हैं, कोएंजाइम Q10। ये बेसिकली हमारी एनर्जी बनाने का स्पार्क प्लग है, जैसे आप गाड़ी में चाबी वो करके उसको इंजन को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये तवानाई को एक्टिवेट करता है, आसान अल्फाज में अगर बोलेंगे तो। एल कार्निटीन तवानाई को लेके, फैट बर्निंग को लेके, एनर्जी लेवल को बहाल करने को लेके, इसी तरह से CoQ10 भी ऐड हो गया। इसके अलावा डॉक्टर फामिया, वाइटामिन डी हमने कवर कर दिया, B12 कवर कर दिया, एल कार्निटीन कवर कर दिया, CoQ10 हो गया, आप इसके अलावा? सर इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और आके कंप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या सोजिश हो गई है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसके लिए हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं CRP का टेस्ट, ठीक है, जिससे इन्फ्लेमेशन रेट को डायग्नोज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर एक सप्लीमेंट जो कि Omega-3 के नेम से है, जिसमें फिश ऑयल प्लस CoQ10 है, उसको रिकमेंड किया जाता है, ताकि एक तो उनके इन्फ्लेमेशन रेट को रिड्यूस किया जाए, साथ साथ हार्ट डिजीज के चांसेज जो होते हैं उसको डिक्रीज किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनमें अस्थमा के इश्यूज आ रहे होते हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि वो जरूर ये लें, क्योंकि ये एज अ ब्रोंकोडायलेटर भी काम करता है, फिश ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम कर रहा होता है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। जबरदस्त हो गया, अभी आपने बड़ा जबरदस्त, ये जो CRP का आपने बोला कि देखें वो साथ साथ चीजें चल रही हैं तो बड़ी चीजें कवर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये अक्सर ना ज्यादातर इसके बारे में लोग जानते हैं कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसके लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, ये वो एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन को देख रहे होते हैं।
हम जो सीआरपी कराते हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को, कि खून की नालियों में कितनी सोजिश है, जिस्म के अंदर कितनी सोजिश है, तो उसके लिए जब हम चेक कर लेते हैं कि उसके लेवल ज्यादा हैं, तो जहां तक हम डाइट फास्टिंग वगैरह कराते हैं, फिश ऑयल एक बड़ा जबरदस्त सप्लीमेंट है जिसको ऐड करना बड़ा जरूरी है। और ये बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत हर कोई ले सकता है। बच्चों के लिए तो शुगर फ्री जो है ना टॉफी की उसमें भी ये अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे हमारा जो उल्टा पुल्टा खा रहे हैं ना, तो अगर चले वो जंक फूड का उनका इंटेक है, तो साथ कम से कम ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये तो ऐड कर दी जाए। डोजेज कितनी होनी चाहिए? 1000 to 2000 एमजीज हर एज ग्रुप को लेना चाहिए, और पर डे के अकॉर्डिंग जो है ये मील के बिटवीन में मोस्टली सर इसको रिकमेंड किया जाता है, वो इस वजह से कि ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई किसी भी मील के दरमियान में बेहतर ये होगा कि लंच के दरमियान में अगर ये लिया जाए तो बेहतर। चले वो अभी ना उसको जो किस टाइम खाना है ना वो हम आखिर के लिए छोड़ देते, क्योंकि वो एक हमसे बार बार पूछा गया, तो वो वाला सेक्शन हमने आखिर के लिए छोड़ना, क्योंकि उसको कट करके हमने अलहदा भी अपलोड करना है। फिश ऑयल भी ऐड हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा वेल सी, जैसे विटामिन सी, विटामिन सी वगैरह के डिजीज के साथ बहुत सारे पेशेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट सेलिंग, और इन सब के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे गम्स की ब्लीडिंग और दांतों में दर्द या दांतों से खून निकलने लग जाता है, उनके लिए विटामिन सी जो है बेहतरीन है। और इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए, और सर ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक हार्मोन है एड्रेनालिन, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करता है, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जबरदस्त, यानी कि आप ज्यादा अगर फोकस्ड होना चाहते हैं, ज्यादा आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर इंड्योरेंस को इंक्रीज करें, तो जबरदस्त। सर अब कैल्शियम हमारे लिए ज़रूरी है, और जिस तरह हमारे पास आता है कैलरेडी, वो एक कम्बिनेशन है, कैल्शियम मेजर उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कैल्शियम है, विटामिन डी और विटामिन के है। कैल्शियम के फंक्शन, अब हम ये हमेशा से बात होती है कि बोन्स वीक हैं, टीथ वीक हैं, तो आप कैल्शियम ले लो, लेकिन कैल्शियम के बाकी भी फंक्शंस हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे मसल्स हो गए, हमारे जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, अगर हम उन्हें कैलरेडी रिकमेंड करते हैं तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट है उसका थायरॉयड फंक्शन के साथ। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं, तो कैल्शियम उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि थायराइड के जो इशू होता है उसमें यही होता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको कैल्शियम इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारी बोन्स हो गई, फिर इसके साथ जो विटामिन डी और विटामिन के, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, विटामिन के हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। यानी कि आप जो कहना चाह रही हैं कि विटामिन डी, विटामिन के2 और कैल्शियम, विटामिन डी ने कैल्शियम को पकड़ा, विटामिन के2 ने उसको बोन तक पहुंचा दिया, यानी कि ये पूरा, ताकि वो कैल्शियम जो है खून में ना जमा हो और क्लॉट ना बने, ठीक हो गया। यानी कि हमने अगर विटामिन डी लेना है तो उसके साथ कैल्शियम को भी सप्लीमेंट करना है, और उसके साथ साथ विटामिन के2 को भी, यानी कि जो हमारा ये कैलरी डी है जिसमें 90 माइक्रोग्राम विटामिन के2 है, तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए है, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और जो बड़ी अच्छी बात आपने की, जो लोगों को समझ जानी चाहिए, कि सिर्फ दांतों का और हड्डियों का नहीं, मसल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी कैल्शियम का होना जरूरी है, मसल क्रैम्स के लिए और मसल की स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नर्व्स हमारे स्ट्रांग होंगे तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन स्ट्रांग होंगे। ज़बरदस्त, तो यानी कि मुकम्मल रिकवरी के लिए इसलिए ये विटामिन्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा एक मैग्नीशियम है हमारे पास, वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, अगर हम ब्लड प्रेशर के हिसाब से देखें, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं, हमने खुद भी देखा है उन पे मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करती है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में मैग्नीशियम रोल प्ले करता है, और जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड फ्लो जब ठीक होती है तो ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मैग्नीशियम का एक बहुत मेजर रोल मसल क्रैम्प में भी है, बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन्हें मसल क्रैम्प का बहुत इशू होता है, तो वो मैग्नीशियम वो चीज़ कवर कर, खासतौर पर काफ में पिंडलियों में बड़ा क्रैम्प पड़ता है, बड़ा शदीद दर्दनाक किस्म का, तो एक तो वो डायबिटिक होते हैं, उसके साथ साथ मैग्नीशियम डेफिशिएंट भी होते हैं, के भी बहुत इशू होते हैं, तो उसमें भी मैग्नीशियम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर, यानी कि सिर्फ B12 ऐड नहीं करना, अगर साथ मैग्नीशियम भी ऐड कर देंगे तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल की, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो बॉडी को रिलैक्स करता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि आपकी खून की नालियाँ रिलैक्स होती हैं, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, यानी कि और अगर आप डेफिशिएंट हैं तो इसका मतलब है कि आपकी
आसान अल्फाज में बोलेंगे कि पूरी खून की नालियां जो हैं उन पे जोर है, दबाव है, जकड़ जाती हैं, ठीक है। तो जहां उसने मसल्स क्रैम्प्स को रिलैक्स करना है, उसी तरह से उसने, क्योंकि स्मूथ मसल है आर्टरीज भी हमारी, तो उनको भी रिलैक्स करना है। कितनी मकदार में लेना चाहिए? 500 mg तक। 500 mg ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, मैग्नीशियम भी कवर हो गया। इसके अलावा कोई विटामिन? सर इसी तरीके से जैसे डॉक्टर फरिया ने एल्कार की बात की, इसी तरीके से सीपेक है जो क्रोमियम डाइट्री सप्लीमेंट है बेसिकली, और ये सप्लीमेंट भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, बिकॉज मेन रूट कॉज तो इस टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, जो कि इश्यूज क्रिएट करिए जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिजीजेज, डायबिटीज़ हो गई, PCOS हो गए, तो उन सब के लिए फीमेल्स ऐसी जिनको PCOS की कंप्लेन है तो दैट शुड टेक दैट सप्लीमेंट, क्रोमियम लेना चाहिए। और एक और ये अच्छा हो गया कि आपने क्रोमियम का जिक्र छेड़ दिया। क्रोमियम का मैं एक और चीज भी ऐड करूं कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जितने जितने लोग डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जाते हैं उतने उतने वो क्रोमियम डेफिशिएंट होते जाते हैं, यानी कि जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जितना डायबिटीज बढ़ रही है, उतना वो क्रोमियम, तो हद चेक करें कि बाकी गोलियां तो वो ले रहे होते हैं लेकिन क्रोमियम को सप्लीमेंट ही नहीं किया होता। बल्कि हमारे एक पेशेंट थे, उनको ये तो कराची से थे, उनको ना ये थोड़ी थोड़ी शुगर स्पाइक आ रही थी इनिशियली बिल्कुल, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे ही क्रोमियम मैंने उनको ऐड किया तो वो हैरान हो गए कि एक टाइम पे वो मेटफॉर्मिन भी लेते थे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो इक्वली इफेक्टिव है मेटफॉर्मिन के मुकाबले में, यानी कि मुझे इसने इतना फायदा दिया, तो ये तो क्यों नहीं हमें पता, हमें ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती। और मजे की बात ये है कि माइनस द साइड इफेक्ट्स, कोई मैदा अपसेट नहीं होगा, ठीक हो गया, कोई जो है आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो ये जो है बस लोगों को पता नहीं है। तो क्रोमियम बहुत ज़बरदस्त ये है कि लोगों को अब पता चल गया होगा कि क्रोमियम क्यों हम 200 माइक्रोग्राम या 400 माइक्रोग्राम ऐड करते हैं, क्योंकि उसका मेन मकसद है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना। इसके अलावा सर प्राइमीव प्लस और गाइनोवा हमारी एक सप्लीमेंट है, क्योंकि आजकल जो फीमेल है जितनी भी, तो प्रिमरोज ऑयल है उसमें विटामिन ई है, ठीक हो, और गाइनोवा में अब PCOS के लिए वो एक बहुत मुझे लगता है कि एक बेसिक चीज़ है अगर हम ये सप्लीमेंट लें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगी तो हमारे जो PCOS के इशू हैं तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। प्रिमरोज ऑयल और विटामिन ई, विटामिन ये किन खवातीन को लेना चाहिए? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जो PCOS जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है या ओवरीज में सिस्ट है, इसके अलावा कोई जो है ऐसा विटामिन या ऐसे कोई सप्लीमेंट जो कि लोगों को लेना चाहिए खासतौर पर उन खवातीन को जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? सर गाइनोवा में एक वो होता है मिनरल इनोसिटोल के नाम से, तो बहुत सी रिसर्च ये शो करती है कि इनोसिटोल इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है और वो चीज़ अल्टीमेटली PCOS को भी कंट्रोल करती है, मतलब फर्टिलिटी के जितने इश्यूज हैं तो अगर फीमेल को देखा जाए तो क्रोमियम इनोसिटोल अगर ये कंबाइनली दिया जाए तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज़बरदस्त, यानी कि वो मायोनोसिटोल है, इसको लाइपोट्रॉपिक एजेंट भी कहते हैं, ये फैटी लिवर यानी कि जो लिवर से जो सोजिश जनरेट हो रही है, जो रेजिस्टेंस बन रही है उसको नीचे करता है आसान अल्फाज में। तो अगर हम क्रोमियम ऐड कर लेंगे, मायोनोसिटोल ऐड कर लेंगे, तो PCOS की खवातीन के लिए, ना सिर्फ PCOS की बल्कि किसी को अगर फैटी लिवर है, इसके अलावा किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो ये वो सप्लीमेंट कर सकते हैं, और मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं, ठीक हो गया। सर गाइनोवा में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उसमें फोलेट भी है, ठीक है, होती है बहुत सी फीमेल में आयरन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो ये चीज़ें अगर आप फोलेट भी ले रहे हो, इनोसिटोल भी ले रहे हो, आप क्रोमियम भी ले रहे हो, तो वो चीज़ें फिर एक उसमें कवर हो जाती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा सर जैसे प्रोबैक सप्लीमेंट्स वगैरह, प्रोबैक देते हैं, लेक्समैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो जस्ट इस वजह से देते हैं कि ये गट को हेल्दी रखने के लिए या आपके रीनल फंक्शन जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। मोस्टली हमें क्वेश्चन आ रहा होता है प्रोबायोटिक्स आर नॉट गुड, प्रोबायोटिक्स जो है फेक, लाइक इस तरीके से नहीं प्रमोट ना करें, बट बेसिकली सर ये गुड बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन्स को इम्प्रूव करने में, जो हेल्दी बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने में ये हेल्प आउट करते हैं। अच्छा सर आपने जो फैटी लिवर की बात की तो मुझे एक सप्लीमेंट याद आया पॉलीसेन के नाम से, वो लिवर हेल्थ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें है मिल्क थिसल, वो कहने को मतलब एक जड़ी बूटी है मिल्क थिसल, लेकिन उसका लिवर की हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे कुछ हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, फैटी लिवर हो या इस तरह लिवर इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें पॉलीसेन एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। पॉलीसेन में बेसिकली मिल्क थिसल है, और मिल्क थिसल जो है वो लिवर के लिए बड़ा सपोर्टिव है,
ठीक है, ये नहीं कि अगर किसी को फैटी लिवर है ग्रेड टू ग्रेड थ्री या बात उससे भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो वो मिल्क थिसल या पोलीसन, बाहर भी अवेलेबल है, हमारे पास पोलीसन के नाम से अवेलेबल है। चलें जी अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता था कि ये विटामिंस किस टाइम लें, तो डॉक्टर फरी आप बता दें कि बेस्ट टाइम क्या है विटामिंस लेने का। सर वैसे जनरली हर जो भी विटामिन ले हमें लेना मील के बाद ही चाहिए, बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जब वो फूड के साथ बॉडी में जाता है और डाइजेस्ट होता है तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जनरली हमें लेने सारे मील के बाद चाहिए। लेकिन वैसे हम टाइमिंग भी बता देते हैं हर सप्लीमेंट की ताकि पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं विटामिन डी से, कब लेना चाहिए? विटामिन डी हमें लेना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद, अगर वो 10,000 आयु है तो फिर हमें अल्टरनेट डेज पे लेना चाहिए, और अगर 5,000 है फिर हमें डेली लेना चाहिए आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का आगाज ही प्रॉपर विटामिन डी की शक्ति के साथ तवानाई के साथ। ठीक हो गया। डॉक्टर फामे विटामिन B12 सर ये डोजेज पे डिपेंड करता है कि कितनी डोजेज है उसकी, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो आफ्टर डिनर रात के खाने के 30 मिनट बाद लेंगे ये। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, डिनर के बाद हमने ले लिया विटामिन B12। इसके अलावा फिश ऑयल हम विद लंच लेंगे ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और उसका वो जो एक स्मेल है ना वो भी ना आए, लोगों को बड़ी तंगी होती है। जी बिल्कुल, कभी नौजिया भी हो जाता है, स्मेल की हो जाती है, तो वो फिर विद लंच अगर लेंगे मील के साथ साथ ही तो फिर अच्छा। और एक और चीज़ मैं थोड़ा ऐड कर दूँ इसमें कि ओमेगा 3 जो लोग पहली दफ़ा स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है उनको थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ी सी वो चीज़ ट्रिगर हो, लेकिन वो वक्त ही होती है, कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो जाती है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, एंग्जाइटी वाले ज़रा मोहतात रहे। सर फिर रिस्क वो है कि वो एक दिन छोड़ के, हम कह देते हैं कि 1 week 15 days के लिए आप एक दिन स्किप कर लिया करें बीच में, तो वो भी ठीक हो जाते हैं, तकरीबन 2 weeks के बाद वो यूज टू हो जाते हैं उससे। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है CoQ10 और एल कार हम लेंगे 30 मिनट बिफोर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 30 मिनट बिफोर, और अगर नहीं तो फिर आपने आफ्टर डिनर लेना है। ठीक हो गया, ठीक सही है जी। और CoQ10 वो सेम उसमें आता है, मतलब एलकार में एलकार्निटिन और CoQ10 होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि ये आपने बेहतर है कि वर्कआउट से पहले लें 30 मिनट पहले। ठीक हो गया, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है? डिनर के बाद अच्छा, मैग्नीशियम आफ्टर डिनर के 30 मिनट बाद ले लें, ये भी सप्लीमेंट डेली बेसिस पे अगर ले रहे हैं, और 500 mg। और रात को लेने से इसका एक फायदा ये होगा कि एक तो आपकी हार्ट रेट कम होगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे और नींद भी बेहतर होगी। जबरदस्त। ठीक है सर, क्रोमियम है, क्रोमियम को भी रात 30 मिनट बाद खाने के 30 मिनट बाद लें, और 200 to 500 microgram तक इस्तेमाल करें इसे। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई रह गया है विटामिन? मल्टीविटामिन कब लें? वंस इन अ डे किसी भी मील के बाद ले लें, मतलब किसी भी मील के किसी भी मील के बाद। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मायोनेसिटॉल है या प्रिमरोज ऑयल है वो कब लें? बिफोर स्लीप हम लेंगे, मतलब सोने से पहले लेंगे, क्योंकि उनका फंक्शन वो होता नहीं, तो वो आपकी फर्टिलिटी और उन चीज़ों से रेलिवेंट है, तो वो बिफोर स्लीप 1/4 cup मिल्क के साथ प्रेफरेबल है, लाइक बहुत थोड़ा सा मिल्क हो लेकिन बिफोर स्लीप आपने वो भी फुल फैट मिल्क। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई विटामिन अगर रह गया? सर जैसे प्रोबायोटिक्स हो गए, लेग्जामैक्स हो गया सप्लीमेंट, तो इसे आप सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद लें, पानी में एक साशे ऐड करके, और डेली बेसिस पे लें ताकि आपका गट जो है ओवरऑल पूरे दिन में आपका जो है इम्प्रूव रहे। यानी कि खासतौर पर वो खवातीन जो मेनोपॉज या उस दौरानिए से गुजर रही हैं और वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस अगर अभी ये विटामिन सप्लीमेंट करेंगी प्रॉपर तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। यानी कि जरूरी है कि बंदा बीमार हो के विटामिंस खाए, प्रोएक्टिव अप्रोच भी तो होनी चाहिए। ज़बरदस्त हो गया, लेकिन क्योंकि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा, सारे ही हमारे लिए बड़े कीमती हैं, लेकिन वो लोग जो बीमारी से गुजर रहे हैं और वो अपनी हेल्थ को इस तरह डिक्लाइन होता देख रहे हैं, उनको मुखातिब करना था हमारा मेन मकसद, कि वो लोग ये चीज़ समझें कि जितना यकीन उनका बाकी गोलियों पे है, अगर उससे ज़्यादा यकीन उनका अपनी डाइट, एक्सरसाइज और विटामिंस पे आ जाए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ज़बरदस्त हो गया, इसके साथ हमारा आज का ये शो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दोबारा लाइव आएंगे इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट के एपिसोड में, नई एपिसोड के साथ, और मकसद है आप लोगों को शऊर देना, अवेयरनेस देना। फैमिली में अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं तो उनको ज़रूर टैग कीजिएगा, उनको बताइएगा कि एक शो, एक चैनल ऐसा है कि जो अवेयरनेस दे रहा है और आप लोगों के लिए नेक नियति और इखलास के साथ काम कर रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे हमसे कोई
करवाना चाहते हैं, कोई एपिसोड हमसे करवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे रिकॉर्ड, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम हर दम हाज़िर हैं आप लोगों की सजेशंस के लिए, और जो भी आप हमसे पूछेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम जितना आसान अल्फाज में और जितना ऑथेंटिक और जितना वो कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड पॉडकास्ट हम कर सकें तो हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।